हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ज्योति श्याम ब्लॉग में। जय साई राम। और बताइए आप सब कैसे हैं? हमारा नाश्ता हो चुका है, सब काम हो चुका है, अब हम जाएंगे खाना बनाने के लिए और फिर आपको दिखाते हैं आज क्या खाना बनता है। चलिए मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी कच्चू के पत्ते की पकोड़े बनाने वाली है, जिसमें हल्दी और मिर्ची हमने ऐड कर दिया है। और मम्मी इसमें डालेंगी, क्या डालेंगे मम्मी जी? डाली डाली कई छाइना, खीरा छाइना, मैंने हरी सके खीरा छाइना। और ये मम्मी जा रही है चावल, चावल का जो गुड़ी होते ना, चावल गुड़ी, वही चावल गुड़ी डाल रहे हैं। और ये देखिए नमक डाल दिए, ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दिए मम्मी। और ये देखिए मम्मी डाल दी बेसन इसमें, मम्मी का मुख लीजिए तपा का वीडियो बनाने। देखिए मम्मी बेसन डाल दिए, अब इसमें मम्मी डालने वाली है मसाला। मसाले में है आदी, लहसुन, सब जीरा, धनिया, मिर्ची सब है। ये देखिए मम्मी ने डाल दी इसमें एक चम्मच मसाला। देखिए मम्मी जी मांग रही है मेरी पानी। मम्मी पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना रहे हैं, ताकि हम उस पत्ते में इसको लपेट सके। देखिए मम्मी ने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, जिसे अब हम पत्ते पे लगाने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेस्ट जो हमने बनाया है, उसे पत्ते में किस तरह लगाया जाता है। देखिए हमारी मम्मी जी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए पहले एक पत्ते में लगाया जा रहा है। मम्मी एक्सपर्ट है, मम्मी जी हमारी खाना एकदम टेस्टी बनाती है। कल चिकन बनाया था ना, बहुत टेस्टी। और ये देखिए उसके ऊपर एक और पत्ता, फिर उस पर पेस्ट लगाया जा रहा है। बुआ धूप सेक रहे हैं। देखिए इसे किस तरह लपेटना है, मम्मी दिखा रही है। एक साइड से इसको अच्छे से दाब देना है पहले, ताकि इसका जो मसाला वो ना निकले, क्योंकि इसे बॉईल करना पड़ेगा ना, इसीलिए। ये देखिए, ये देखिए, इसे चारों तरफ से अच्छे से पूरा पैक कर दिया जा रहा है। ये देखिए अब इसे रोल बनाया जा रहा है। रुकेले बांधने नहीं छूटा होता ना, केले बांधने हाँ सूता ले अपने। देखिए कितने अच्छे तरह से रोल बन गया इसका। अब इसको हम बांधते हैं सूता, इससे हम इसको बांधने वाले हैं ताकि ये ना खुले, बस हल्का सा, ताकि ये ना खुले, इसका मसाला बाहर ना आए। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसे खोल देंगे, फिर इसे पीस पीस करेंगे। बन गया हमारा ये प्यारा सा कच्चू पत्ता का पकौड़ी का रोल, एक रोल। ये देखिए फिर से एक और बनाया जा रहा है इसी तरह से। ये जो इतने सारे पत्ते हैं, इसी तरह से बना के हम वो रोल बनाएंगे। कम से कम 3-4 रोल बन जाएंगे ये जो है रोल से, ये सारे पत्ते से 3-4 रोल बन जाएंगे।
जिसे हम बॉइल करके कट करके फ्रिज पर रख देंगे। जब खाने का मन करेगा हम इसे तलेंगे तेल पे और खाएंगे। ये देखिए हमारा जो पत्ता दिखाए थे उससे चार रोल बन गए हैं। अब इसे हम बॉइल करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इस पर हम डालते हैं पानी। और ये देखिए हम इस पर डाल रहे हैं पानी। अच्छा मम्मी, हाँ ये देखिए हमने इस पर डाल दिया पानी। अब इसे अच्छा से बॉईल करते हैं। अब हम इस पर ये रखने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर हमको पत्ता रखना है, इसीलिए पत्ता ज़्यादा है इसलिए दो रख रहे हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए ये हो गया दो सेट। अब इस पर हम ये सारा पत्ता बॉईल कर रख रहे हैं। ये देखिए इस और ये देखिए इसे हम ढक देते हैं। हाँ कम से कम इसे 10 से 20 मिनट के लिए इसे तरह रखते हैं जब तक ये अच्छे से बॉयल हो जाए। ये अच्छा से बॉयल हो जाए फिर आपको दिखाते हैं ये किस तरह से बॉयल होने के बाद कट करने का। और ये देखिए एक साइड से हमारा हो चुका है और दूसरे साइड से फिर से इसको पकाना है, इसीलिए मम्मी पलट रही है इसे। इसे और 10-15 मिनट लगेंगे बॉयल होने में पकने में। चम्मच रंग जाता हो ना तुम्हें गर्म चम्मच भाग मत मम्मी भीजी आते तो। और इसे हम फिर से ढक रहे हैं और 10 से 15 मिनट के लिए ये और अच्छे से बॉयल हो जाएगा। एक साइड से और पकना है इसको। और ये देखिए दोस्तों हमारा ये जो है बॉयल हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुकी है। ये देखिए इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे हम कट करेंगे। ये रहा हमारा पत्ता रेडी हो चुका है। ये बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब ये ठंडी हो जाए पूरी तरह से फिर इसको कट करते हैं। और ये देखिए हमारा पूरी रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर रहे हैं इस तरह से पीसेस करके। ये देखिए ये ऐसे ये देखिए कैसे रोल रोल टाइप से हो गया ना। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना। ये खाने में भी उतना अच्छा लगेगा। अभी इसे तेज जब डीप फ्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो बन गया। ये निकल जा कट कर रहा है इसको क्योंकि अब इसे हम खाने वाले हैं। देखिए कितना मज़ा से कट रहा है ना। यम्मी आप लोगों ने भी खाया होगा ज़रूर। और पता नहीं आप कैसे बनाते हो। हमारा जो बनाने का तरीका है वो इस तरह से था। अब हम इसे जब फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा किस तरह से डीप फ्राई करते हैं। देखिए और ये देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाला है। तेल पूरी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, पूरा गर्म। अब ये जो मैंने पीसेस काटे थे इसे बिल्कुल मछली की तरह फ्राई करना है तो इसे एक एक करके डालते हैं। ये देखिए इस तरह से बस। अब इसे हम अच्छे से डीप फ्राई करते हैं। पलट अब इसे एक बार हम पलट लेते हैं। ये देखिए एक साइड थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है। दूसरी साइड के लिए पलटते हैं। बहुत तेज निकल दिया है।
अभी भाषा है ना कि अलग कड़क कड़क बन जा अभी से एक बार और पढ़ते हैं नॉली। पर ये देखिए हमारा ये फ्राई हो चुका है, अभी से हम निकालते हैं, बहुत ऑयल है इसीलिए। ये देखिए बिल्कुल मछली की तरह इतना मजा आता, थोड़ा ऑयली तो होता ही है ये। और ये देखिए हमारा फिश फ्राई, कच्चू के पत्ते का फिश फ्राई बन चुका है, आज दिखाएंगे। ये देखिए मेरा मम्मी का बनाया हुआ टेस्टी सर एकदम पकौड़ा, देखिए कितना मजा है। मेरी मम्मी भी खा रहे हैं। नाम लो अच्छा मीठा बचा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है एकदम टेस्टी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा आज मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ एक अच्छा सा रेसिपी, मेरा छोटा सा ब्लॉग। आज कैसा लगा आपको? अगर मेरा ब्लॉग, मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक बाय।